हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्योति फैशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हाफ बेल्ट और हाफ प्लास्टिक। हम लगाएंगे फ्रंट साइड में हम बेल्ट लगाएंगे और बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। हाफ आप लगाएंगे, बहुत आसान तरीका बताएंगे आपको, आप लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम देखिए बेल्ट लेंगे। बेल्ट की लंबाई हमने 4.5 इंच ली है। जैसे कि आपको जब भी हम प्लाजो कट करते हैं, आपको हर वीडियो में बताते हैं कि बेल्ट की लंबाई कितनी लेनी है, तो हमने बेल्ट की लंबाई 4.5 इंच ली है। चौड़ाई देखिए, जैसे भी आपका प्लाजो ये रखा हुआ है, वैसे तो हम बताते हैं हिप में 5 इंच आपको प्लस करना है, फिर भी आपको दोबारा से बता रहे हैं। ऐसे देखिए हमारा प्लाजो रखा हुआ है और हमने ऐसे चौड़ाई को देखिए मेजर कर दिया है, ये बराबर बराबर हमने मेजर कर दिया है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टिच भी कर दिया है। अभी हम उल्टी साइड से, अंदर की साइड से हम ऐसे बेल्ट को लगाएंगे। हाफ इंच का हम दबाव रखेंगे और चारों तरफ से हम सिंपली ऐसे बेल्ट को लगा देंगे। देखिए गाइस, बेल्ट को हमने ऐसे अटैच कर दिया है अंदर की साइड से। अभी हमें क्या करना है, जो देखिए हाफ इंच का हमारा फैब्रिक है, इसको भी हम ऐसे फ्लैट करेंगे और यहाँ पे हम मशीन लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे मशीन नहीं लगाएंगे तो जब आप बेल्ट और इलास्टिक डालेंगे तो बार बार में जो ये फैब्रिक आपको परेशान करेगा, तो आप इस पर ऐसे करके मशीन लगा लें। देखिए मशीन हमने यहाँ से लगा ली है। अभी हम क्या करेंगे, बेल्ट लेंगे और इलास्टिक लेंगे। बेल्ट का और इलास्टिक का मेजरमेंट आपको बताएंगे कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम इलास्टिक का मेजरमेंट समझेंगे। इलास्टिक का मेजरमेंट हम जो भी हमारी टोटल हिप है, आपकी कोई भी साइज की हिप हो, मतलब 36 हो, 38 हो, 14 इंच हो, कोई भी आपकी हिप हो, उसमें से आपने 10 इंच माइनस करना है। सपोज मेरे प्लाजो की हिप 38 इंच है, 38 इंच में से मैंने 10 इंच माइनस किया है, 10 इंच माइनस करने के बाद मेरा 28 इंच रहता है। 28 इंच को भी हम हाफ कर देंगे। हाफ हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट साइड में बेल्ट लगा रहे हैं इसलिए हम हाफ करेंगे। अगर हम चारों तरफ प्लास्टिक लगाएंगे तो हम हाफ नहीं करेंगे, सेम हम 28 ले लेंगे। 28 इंच को हाफ करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 14 इंच। तो 14 इंच की हम ऐसे इलास्टिक ले लेंगे। एक इंच आप एक्स्ट्रा ले लें क्योंकि हमारा दबाव में चला जाता है। इलास्टिक का हमने मेजरमेंट बता दिया, अभी बेल्ट का हम मेजरमेंट लेंगे। आपकी कोई भी साइज की हिप हो, आपने उसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद 38 हमारा आता है 19 इंच। देखिए ऐसे करके हमारा 19 इंच आया, या ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारे प्लाजो का फ्रंट पीस है उससे हम मेजर करेंगे और उसी साइज की हम बेल्ट लेंगे। मेजरमेंट हमने समझ लिया है कैसे लेते हैं, अभी लगाना आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अभी देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली बेल्ट जो होती है ये पैंट के लिए अलग से मिलती है, मैं आपको हर बार बताती हूँ, यही आपने लेनी है। आपने बॉटम वाली जो हम लगाते हैं बुकरम, वो यूज नहीं करनी है। तो देखिए ऐसे करके हम, ये हमारी चिपकाने वाली है, चिपका के भी हम लगाते हैं, बट आज आपको हम बिना चिपकाए बताएंगे कि बिना प्रेस किए हम कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलास्टिक और इसको अटैच कर देंगे बेल्ट को। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फ्रंट है, तो यहीं पे देखिए हम अपनी बेल्ट रखेंगे। जो बेल्ट है हमारी, उसकी जो चिपकाने वाली साइड है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे और इलास्टिक हम पीछे की साइड लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट पार्ट में, देखिए यहाँ पे हमारी देखिए पॉकेट है और यहाँ पे हमारी ये मशीन है, तो जहाँ पे हमारी मशीन लगी हुई है वहीं पे हम देखिए ऐसे रखेंगे, फोल्ड कर देंगे और बराबर बराबर देखिए ऐसे जो भी हमारी इलास्टिक का, जो भी हमारी बेल्ट का साइज है, सेम उसी साइज में हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम मशीन लगाएंगे। देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी जो साइड मशीन है वो आ गई है, तो यहाँ पे हमने देखिए
यहाँ से हमारी इलास्टिक स्टार्ट होगी। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल मशीन लेके आएंगे सीधा, और यहाँ पे आने के बाद हम पक्का कर देंगे ऐसे। देखिए अभी हम, देखिए ये वाली हमारी इलास्टिक है, ये हमारी बैक साइड है। तो अभी हमें क्या करना है, इलास्टिक के ऊपर मशीन नहीं लगानी है, हमने फैब्रिक के ऊपर मशीन लगानी है। सफाई के साथ हम मशीन लगाएंगे। देखिए बेल्ट और इलास्टिक हमारी लग गई है। बहुत ही आसान तरीका था बेल्ट और इलास्टिक लगाने का। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।